हेलो एवरीवन नमस्कार एक और फिर स्वागत है आप सभी का लोदर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बीए सेकंड ईयर के लिए समष्टि अर्थशास्त्र पर आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है इससे पहले के सेशन में हम सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर वन में दोस्तों हमने सिलेबस को डिस्कस किया है जो इसलिए था कि विभिन्न यूनिवर्सिटी से जो है स्टूडेंट हैं बी जो कम्प्लीट कर रहे हैं बी ए ईयर में है तो दोस्तों कई यूनिवर्सिटियों में जो है समष्टि अर्थशास्त्र को बीए ए सेकेंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है साथ ही साथ में कहीं पर फर्स्ट ईयर में है या कहीं थर्ड ईयर में भी किसी यूनिवर्सिटी में समष्टि अर्थशास्त्र वाले इस सब्जेक्ट को देखा जा सकता है तो उन दोस्तों के लिए ही हमने सिलेबस को एनालाइज करवाया था जिसमें हमने वो सभी टॉपिकों पर चर्चा की थी एक साथ ही सभी पांचों यूनिट के सभी टॉपिकों पर चर्चा की थी जिन टॉपिकों को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है सिलेबस एनालाइज वाले सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को ओपन कीजिए वहां से उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा और वहां जाकर के अपने सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिकों को मैच कर ले जिससे कि आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और यहां पर मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों से कि अगर कोई आपका टॉपिक इस सीरीज के अंतर्गत अगर कवर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उस टॉपिक को भी हम इस सीरीज के एंड में उसे भी वहां पर एड कर रहे जो टॉपिक आपके सिलेबस में परंतु हमारे सिलेबस जो हमने डिस्कस करवाया उसमें नहीं होगा तो ठीक तो है वैसे तो दोस्तों समस्ती अर्थशास्त्र अर्थात की मैक्रो इकोनॉमी एक और छोटी सी जानकारी आप को दे दूं कि दो प्रकार की इकोनॉमी पर यहां जाता है दोस्तों, कि एक होती है माइक्रो इकोनॉमी जिसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अर्थात की फर्स्ट ईयर वाली सीरीज में हमने उसको डिस्कस करवाया है ठीक है ना और एक दूसरा इसका पार्ट होता है उससे बड़ा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी अर्थात समस्ती अर्थशास्त्र ठीक है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वैसे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने प्रयास किया था उसमें हम देखेंगे समानता और, मतलब समान समान और वही उसके अंतर पर जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे तो दोस्तों आज का सेशन में हम एक बिल्कुल बारी एक बेसिक सी बात पर जो है हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि जो मैक्रो इकोनॉमी है मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है इसके इसके उद्देश्य उद्देश्य क्या 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 है 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 इसकी महत्व साथ ही साथ में जो समस्ती अर्थशास्त्र के जिस प्रकार से इसकी विशेषता महत्व बताए गए हैं उनकी सीमाएं अर्थात उसमें कमियां क्या है जिन कमियों को दूर कर दिया जाना चाहिए चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं शुरू करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है जो हमें पहली बार इस सेशन में देख रहे हैं उनको मैं आगाह कर दूं बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो दोस्तों हमारा एक अन्य प्लेटफॉर्म और भी है यूट्यूब पर प्रज्ञान हिंदी के नाम से वहां पर हमारे ही द्वारा सभी सेशन लिए जा रहे हैं फिलहाल प्राचीन इतिहास पर सेशन चल रहा है तो दोस्तों वहां पर भी लेक्चर विद नोट्स आपको पूरी तरह से निशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जहां पर आप जाकर के उसे विजिट कीजिए एक बार डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है उसको विजिट कीजिए वहां से आप से आप प्रॉपर रूप अपनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को अंजाम बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं एक पुल स्ट्रेटेजी के द्वारा दोस्तों हमने उस सेशन को कंटिन्यू किया हुआ है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को हमने लास्ट में लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवाया था कि पांच यूनिट के पूरे ही टॉपिक जितने भी टॉपिक थे उन सबको हम डिस्कस करवा चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो यूनिट वन यूनिट वन अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा के अंतर्गत पहला टॉपिक ही होगा जिसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ बात करेंगे अर्थात इसका पहला टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा विषय वस्तु महत्व और सीमा इस लेक्चर में ये टॉपिक हो जाएगा हमारा कंप्लीट और उसी प्रकार सीरीज सीरीज तो से सीरीज़ जान ले हम जितने आते हैं किसी भी टॉपिक को हम बीच में स्किप नहीं करते हैं और पूरे विस्तार से आपको यहाँ पढ़ाते हैं व्यवहारिक रूप से समझाने के साथ ही साथ में हम आपको थ्योरिटिकल रूप से समझाते हुए उसका डाटा भी आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके ठीक है दोस्तों चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बढ़ते हैं अपने सेशन में डायरेक्टली और बात करेंगे दोस्तों अपने सेशन की सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र आज का जो टॉपिक है उसका सारांश क्या है सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो सारांश वाला पेज है हम ये क्यों लेकर आते हैं क्योंकि मैं ये देखिए दोस्तों ये सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है इसलिए सारी बातों को बारीकी से बताना आप लोगों के लिए जरूरी है जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे दस पंद्रह लेक्चर हो जाएंगे तब तक आप लोगों को हैबिट हो चुकी होगी पता चल चुका होगा हर बात का लेकिन चूंकि हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट नए हो जो हमें पहली बार फॉलो कर रहे हैं है ना तो इसलिए आपको लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है माफ कीजिएगा इसी सेशन में बस थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम लूंगा फिर आगे से ये टाइम अपने आप हो जाएगा ठीक है ना फिर डायरेक्ट हम अपने डाटा पर ही मूव करेंगे अपने लेक्चर पर मूव करेंगे बस इसमें दो पांच मिनट लूंगा बस आप लोगों के तो दोस्तों ये जो पेज है इसको हम बोलते बोलते हैं सारांश पेज क्या बोलते हैं दोस्तों सारांश पेज अर्थात ये कि हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये हमारा सबसे पहला पेज है इस पेज से हमें यह पता चलता है कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझिए मैं आपके एग्जाम से इसके लिंक करने वाला हूं तो दोस्तों आज जो हमारा पूरा लेक्चर होगा इन पांच बिंदुओं पर होगा कंप्लीटली इन पांच बिंदुओं पर होगा सबसे पहले हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा देखेंगे उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य देखेंगे उसी प्रकार से क्रम अनुसार विशेषता महत्व और फिर लास्ट में उसकी सीमाएं देखने वाले हैं तो पांच बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे अब ये पेज मैं आपके लिए क्यों लेकर आता हूं समझिए इसको इसके दो कारण है दोस्तों एक कारण तो यह है कि मैं आपको प्रारंभ में ही बता पाऊं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपके मस्तिष्क में एक फ्रेमवर्क बन जाए जिससे आपको यह पता चल जाए कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हमारे कौन कौन से क्वेश्चनों के आंसर इसके अंतर्गत मिल सकते हैं पहला उद्देश्य दूसरा उद्देश्य हमारा यह है दोस्तों कि सोचिए जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करने जाते हो जब आंसर राइटिंग करते हो तो किस प्रकार से करते हो दोस्तों इसी प्रकार से पॉइंट वाइज ही करते हो अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा प्रश्न है जिसमें ये पांचों बातें आप लोगों से पूछी गई है तो क्या करेंगे आप नंबर वन समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं पहला नंबर दूसरे नंबर पर उद्देश्य विशेषता महत्व सीमा इस प्रकार से आप कोट करेंगे अब उसी में दोस्तों एक चीज आपको और एड करनी है आज से एक बात और करनी है जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप उस आंसर के अंदर क्या क्या लिखने वाले हो कौन कौन से पॉइंट आप उसको डिस्क्राइब करने वाले हो अंदर वो सारे पॉइंट इसी पेज की तरह आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो अब यहां पर कहने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि हमारी जो ये पीपीटी बनती है ना जो प्रेजेंटेशन फाइल बनती है आप लोगों करते कि को किस प्रकार से आपको करनी है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम यहां पर आप लोगों के लिए डाटा भी लेकर आते हैं और उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि आप दोस्तों अनजाने में ही ये सीखते चले कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है और आपको आदत सी बन जाए ठीक है ना तो ये उद्देश्य हमारा इस सारांश पेज का रहता है लेकिन बहुत से बस मतलब ले इग्नोर करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, है। इसलिए हमारे लिए अनावश्यक है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है इस कारण से इसको लगाया गया है चलिए दोस्तों समस्ती अर्थशास्त्र की बात करते हैं सबसे पहले तो अब आप स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं दोस्तों तो अर्थशास्त्र दो पार्ट में आती है एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र सिंपल सा डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से पता है जिनको नहीं पता वो भी जान लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र दोस्तों वो अर्थशास्त्र है जो इंडिविजुअल इकाई की बात करती है या इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन करती है जैसे कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम का है ना पर व्यक्ति इनकम पर व्यक्ति आय जो होती है या फिर पर एक परिवार की बात करेगी ठीक है पूरे समाज की बात नहीं करेगी उसी प्रकार से किसी एक कंपनी के इनकम की या किसी एक कंपनी की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगी किसी एक समाज का आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगी या समझिएगा जब मैंने बोला कि एक किसी समाज की तो जब इसके ऊपर जब समष्टि अर्थशास्त्र बिटाओगे तो वो संपूर्ण समाजों का अध्ययन करेगी जब मैंने बोला किसी एक व्यक्ति की कि एक व्यक्ति का अध्ययन करती है वैष्टीय अर्थशास्त्र और जब समस्ती अर्थशास्त्र आएगी तो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का अध्ययन करेगी और अगर वैष्टीय अर्थशास्त्र एक परिवार का अध्ययन करती है तो समस्ती अर्थशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करती है इस डिफरेंस को एक माइनसर डिफरेंस इसको समझिए है ना जब हम बात करते हैं कि, कि किसी एक कंपनी या किसी एक सेक्टर का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है तो समस्ती अर्थशास्त्र वहां पर उस एक इकाई का या उस इकाई के एक समूह का नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी उत्पादन हुए उन सब का अध्ययन कौन करेगी दोस्तों समस्ती अर्थशास्त्र करेगी तो ये एक मायना एक छोटा सा डिफरेंस हालांकि छोटा सा बोलने में छोटा सा है परंतु हे बहुत बड़ा डिफरेंस

प्रॉब्लम ना आए चलिए दोस्तों एक बार स्लाइड को पढ़ते जाइए स्लाइड को पढ़ेंगे इसको समझेंगे और साथ में मैं आपका इसका व्यवहारिक पक्ष इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग के जीवन में कभी भूल नहीं पाए कंप्लीटली आपके दिमाग में मस्तिष्क में फिट हो जाए मैं जानता हूं दोस्तों ये अर्थशास्त्र वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम देता है हमें टेंशन देता है जब पढ़ते हैं तो इजीली समझ नहीं आता है थोड़ा सा टेढ़ा है ये ना? लेकिन इस टेढ़े को हमें सीधा कैसे करना है आज के सेशन में आप सीख जाएंगे डोंट बस ध्यान से सुनते रहिए उसको समझते रहिए चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ की अर्थशास्त्र एक्चुअल में है क्या दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र की एक वह शाखा है जो किसी एक इकाई की नहीं बल्कि सभी इकाइयों का अध्ययन करती है क्या कहा मैंने अभी आपको कि समष्टि अर्थशास्त्र किसी एक इकाई की नहीं बल्कि सभी इकाइयों का अध्ययन करने वाला अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का वो पार्ट है लेकिन इसी के उल्टे में जब अगर आप बात करेंगे वेस्टीय अर्थशास्त्र की तो भाई व्यस्टी अर्थशास्त्र सभी इकाइयों की नहीं बल्कि वो एक इकाई का अध्ययन करेगी है ना इसका एकदम अपोजिट कर देंगे तो वेस्टी अर्थशास्त्र का अर्थ निकल जाएगा और वेस्टी अर्थशास्त्र के अर्थ को अगर आप अपोजिट करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आ जाएगा क्लियर हो रहा है ना तो दोस्तों इस विश्लेषण में सामूहिक दशाओं का अध्ययन किया अब मेरे ख्याल तो मतलब नहीं बल्कि बहुत सारे है ना तो सामूहिक दशाओं का सामूहिक दशाओं का मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र की, की सामूहिक दशाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है इसमें सामूहिक अर्थ इसीलिए क्योंकि ये सामूहिक दशाओं का अध्ययन करती है इसीलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र के साथ ही साथ में सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्लियर हुआ है दोस्तों तो अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन कुल उपभोग और कुल बचत एवं कुल विनियोग का अध्ययन करते हैं अब समझिए उत्पादन अर्थात किसी एक फैक्ट्री का नहीं बल्कि किसी एक समूह मतलब एक पूरे सेक्टर का नहीं बल्कि संपूर्ण पूरे उत्पादन की बात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है या जब हम उपभोग की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं किसी एक पर्टिकुलर जो है परिवार की नहीं किसी एक पर्टिकुलर बाजार से उपभोग की गई वस्तुओं का नहीं बल्कि संपूर्ण उपभोग की हम यहां बात करेंगे संपूर्ण अर्थात पूरे देश के उपभोग की बात करेंगे कुल बचत की बात करेंगे थोड़ी एक दो व्यक्ति की बचत की नहीं एक दो परिवार के बचत की नहीं एक दो समाज की नहीं बल्कि कुल बचत की बात करेंगे कुल विनियोग की बात करेंगे इसी को दोस्तों कहा जाता है यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र जो कि सामूहिक अध्ययन करता हो जिसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक हो उसे ही हम यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं क्या क्लियर हुआ है दोस्तों इतना यहां तक क्लियर हो पा रहा है ना कोई डाउट तो नहीं चल रहा है क्लियर समझ आ रहा है ना दोस्तों अगर आ रहा है तो यार लाइव हो आप लोग कमेंट करके मुझे यस तो करिए कम से कम है ना चलिए तो इस प्रकार यह एक परिवार से नहीं बल्कि सभी परिवारों से एक फर्म से नहीं बल्कि सभी फर्मों से एक उद्योग से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की सभी औद्योगिक व्यवस्थाओं से संबंधित है ठीक है ना तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ हो जाता है कंप्लीट क्या समझ आया आप लोगों को इतना डाटा दोस्तों सफिशियंट आपके एग्जाम के लिए इतना डाटा समझ सफिशियंट है और व्यवहारिक रूप से जिस प्रकार से आपने अभी तक समझा है समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को वो जो व्यवहारिक दोस्तों एक दो पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में गए हैं ना इसके अर्थ के व्यवहारिक रूप से वो एक दो पॉइंट आपके एक दो पेज में एग्जाम में कैसे कन्वर्ट होंगे ये दोस्तों आपके पेपर के बाद ही बताऊंगा मैं आप लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जो आपने समझा है वो किस प्रकार से एग्जाम के टाइम में कैसे आपके अंदर से शब्द बन बनकर निकलते हैं क्योंकि व्यवहारिक नॉलेज रखना बहुत आवश्यक होता है है ना व्यवहारिक नॉलेज रखना हर एक चीज का बहुत जरूरी है अगर आपने देखिए जिस प्रकार से आप किताबों से पढ़ते हो कोई टॉपिक को क्लियर करते हो तो दोस्तों उस टॉपिक को क्लियर करने से पहले उस टॉपिक का पहले व्यवहारिक ज्ञान ढूंढिए एक्चुअल में वो टॉपिक बोलना क्या चाहता है आपसे वो समझ लीजिए आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको परेशान नहीं करेगा फिर वो चलिए दोस्तों इसकी कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक होती है इसलिए परिभाषाओं वाला पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सबसे पहले बोल्डिंग साहब क्या बोलते हैं एक दिन समझिए इसको बोल्डिंग साहब की परिभाषा को देख लीजिए फिर हम चेंबरलिंग जी की भी देख लेंगे बोलते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र कंफ्यूज मत तो होइएगा ये समष्टि अर्थशास्त्र की ही बात कर रहा है क्लियर है ना व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता मतलब ये कि एक पर्टिकुलर इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता अर्थात कि ये समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इन मात्राओं के योग का अर्थात कि जो व्यक्तिगत जो इकाई होती है इकाई जो होती है व्यक्तिगत जो इकाई होती है मतलब पर्टिकुलर जो इकाई होती है उस इकाई का नहीं बल्कि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है इकाइयों का अध्ययन की बहुत सारी इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर के राष्ट्रीय आय से होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय से इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत आय का अध्ययन तो व्यक्ति अर्थशास्त्र करेगी भाई समष्टि अर्थशास्त्र यहां पर आई है तो वो व्यक्ति की आय की बात नहीं करेगी वो तो पूरे राष्ट्र की आय की करेगी क्लियर है ना तो व्यक्तिगत कीमतों से इसका कोई संबंध नहीं होता है बल्कि तो सामान्य कीमत स्तर से इसका संबंध होता है सामान्य कीमत स्तर से पूरा कीमत स्तर क्या है व्यक्तिगत उत्पादन से इसे कोई लेना देना नहीं है यह तो राष्ट्र के उत्पादन से संबंधित अध्ययन करती है परिभाषा इस क्लियर ओके okay. नेक्स्ट है दोस्तों चैंबरलिन तो चैम्बरलिन साहब बोलते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है व्यापक अर्थशास्त्र अर्थात की अर्थशास्त्र कुल संबंधों का कुल सामूहिक है ना तो कुल संबंधों का अध्ययन करता है क्लियर है परिभाषाएं भी ठीक है इजी है दोस्तों याद रख लेंगे आप लोग एग्जाम के लिए देखिए कम से कम हर एक टॉपिक पर एक दो परिभाषाएं आपको याद हंड्रेड होनी चाहिए अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो है ना और दोस्तों हमारी क्लासेस का मोटिव ही है एट्टी प्लस है ना बी ए में एटी परसेंट प्लस कि जो भी हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहा है दोस्तों वो 100 परसेंट दोस्तों कम से कम उसको 80 परसेंट प्लस तो मिलना ही मिलना चाहिए अगर पूरी ईमानदारी से कोई फॉलो करता है तो ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके उद्देश्यों की भाई समस्ती अर्थशास्त्र के उद्देश्य क्या है चलिए ये तो हमने समझ लिया है कि यार इसका अर्थ क्या है परिभाषाएं भी हमने दो विद्वानों की देख ली है चलो इतना समझ आ चुका है कि ये सामूहिक अर्थशास्त्र ये संपूर्ण का अध्ययन करती है किसी एक का अध्ययन नहीं करती ये सब ठीक है लेकिन क्यों इसका उद्देश्य क्या है क्या किस उद्देश्य से यह समाज में अवस्थित है किस लिए इसको समाज में लाया गया मतलब हमारे इकोनॉमी के अंतर्गत इस पार्ट को क्यों लाया गया तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है क्या रीजन है समझिए पहला पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा उत्पत्ति रोजगार और आर्थिक विकास भाई उत्पत्ति करनी है रोजगार बढ़ाना है आर्थिक विकास लाना है क्या करेंगे अर्थशास्त्र के पास नहीं जाएंगे किसके पास जाएंगे समस्ती अर्थशास्त्र के पास में क्यों जाएंगे क्योंकि समस्ती अर्थशास्त्र ही वो वो अर्थशास्त्र की है जो जो उत्पत्ति रोजगार और आर्थिक विकास के कारणों का पता लगाएगी समझ रहे ना उत्पत्ति को कैसे बढ़ाया जाए कैसे इंप्रूव किया जाए रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए इसका पता कौन लगाएगा इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी लगाएगी व्यस्त समस्ती अर्थशास्त्र लगाएगा इसका प, कारणों का पता लगाने के बाद में उन कारणों को अप्लाई भी करेगा अप्लाई करके और उत्पत्ति का जो ऊंचा स्तर है इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति का ऊंचा स्तर है उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगी कौन ये समझती है अर्थशास्त्र और जब वो ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था जब ऊंचे स्तर पर पहुंचेगी दोस्तों तो तीव्र आर्थिक विकास होने लगेगा तीव्र आर्थिक विकास होगा है ना और ताकि समाज अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके तो इन सब के पीछे जो उद्देश्य होता है प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य समष्टि अर्थशास्त्र का यही होता है क्लियर हुआ है चलिए तो फिर अगले उद्देश्य पर पहुंचते अगला उद्देश्य है मुद्रा स्फीति का निवारण या नियंत्रण समझिए मुद्रा मुद्रास्पीति मैक्सिमम लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता होगा कि ये मुद्रा स्पीति एक्चुअल में होती क्या है जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं दोस्तों मुद्रा मुद्रास्पीति का अर्थ देखिए मुद्रा स्पीति को व्यवहारिक समझिए थोरिटिकल तो आप समझ ही लेंगे आपके पास बहुत सारी किताबें कहीं भी पढ़कर सुन लेंगे उसको मुद्रा स्पीति एक ऐसी प्रक्रिया है बाजार की बाजार की मुद्रा स्पीति एक ऐसी प्रक्रिया है छोड़िए आपने कभी देखा होगा अभी वर्तमान समय भी आपने देख रहे हैं कि यार बाजार में हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा है है ना तो कभी कभी एक ऐसा समय आ जाता है जो महीने दो महीने छह महीने भी टिककर रहता है कि रेट जो है हर चीज की बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है सिर्फ एक देश के अंदर या एक राज्य के अंदर मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं अगर पूरे विश्व में अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर वो आर्थिक मंदी कहलाएगी वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगी वो आर्थिक मंदी कहलाएगी है ना लेकिन किसी एक देश में या किसी पूरे देश के किसी एक राज्य में दो राज्य में तीन राज्यों में अगर ऐसी स्थिति आती है कि जो कीमतें हैं या महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दोस्तों जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो उसी को हम मुद्रा स्फीति बोलते हैं समझिए बस इतनी सी कहानी है मुद्रा स्पीति को और कुछ भी नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों समस्ती अर्थशास्त्र का उद्देश्य इसलिए है यहाँ पर क्योंकि जो मुद्रा स्पीति की जो कंडीशन होती है ना ये मुद्रा स्पीति बाजार को मुंह के बल पछाड़ देती है याद रखिएगा बाजार की हालत बहुत बुरी कर देती है मुद्रा स्पीति बाजार में हर एक क्षेत्र का हर एक दुकानदार से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति तक रोने बैठ जाते जब मुद्रा स्पीति की कंडीशन होती है क्योंकि हर एक व्यक्ति की खर्च करने की जो लिमिट होती है ना वो समाप्त तो हो जाती है तो मुद्रा स्पीति बहुत ही भयानक एक बाजार में आने वाले एक राक्षस की तरह आती है जो पूरे बाजार को निगल जाती बाजार की जो अच्छी व्यवस्था होती है ना उसको निगल जाती है और पूरे बाजार को असंतुलित कर देती है तो इस असंतुलन की स्थिति से निपटने के लिए इस असंतुलन की स्थिति से निपटने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र उसका अध्ययन करती है दोस्तों उसका अध्ययन करती है अध्ययन करके और मुद्रा स्फीति को वहीं पर रोकने का प्रयास करती है उसको संतुलित करने का प्रयास करती है क्लियर हुआ बाजार की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने का प्रयास करती है क्लियर चली तो फिर अगले पॉइंट को पढ़ते हैं अगला पॉइंट है व्यापार चक्र का नियंत्रण व्यापार चक्र का नियंत्रण अब देखिए दोस्तों जैसे आपने मुद्रा स्पीति को समझा एज इट इज आप व्यापार चक्र को समझ लीजिए मुद्रा स्पीति में क्या हो रहा था महंगाई बढ़ रही थी महंगाई जो थी वो बढ़ रही थी अब व्यापार चक्र में क्या हो रहा है भाई महंगाई बढ़ी गिर गई फिर बढ़ी फिर गिरी क्या हो रहा है कंटिन्यू जो ग्राफ है कंटिन्यू जो बाजार का जो कीमत का जो ग्राफ है बाजार कीमत का जो ग्राफ है दोस्तों वो बिल्कुल इस प्रकार चल रहा है पहले बड़ा ऊपर जाएगा एकदम से नीचे आ जाएगा फिर ऊपर जा रहा है फिर एकदम से नीचे आ रहा है तो ये स्थिति बाजार की चल रही है अब इस स्थिति में बताइए मुझे क्या कोई भी संभल पाएगा क्या ग्राहक कंज्यूमर उपभोक्ता से लेकर के उत्पादक दोनों की स्थिति कैसी हो जाएगी इस स्थिति में कभी कीमतें बहुत आसमान को छूने लगती है तो कभी जमीन के नीचे घुस जाती है पाताल में पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में जब आसमान को छुएगी तो उपभोक्ता की कंडीशन खराब हो जाएगी और जब नीचे आएगी तो उत्पादक की कंडीशन खराब हो जाएगी तो इस स्थिति में जो व्यापार का जो चक्र है जो ऊपर नीचे घूम रहा है क्या वो सही रहेगा क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे विकास के लिए वो उचित है बिल्कुल भी उचित नहीं है ये बाजार की स्थिति को बहुत ज्यादा मुद्रा स्पिति की तरह ही परेशान करती है कुल मिलाकर तो उसको सिर्फ नियंत्रण करना ही नहीं उसको सिर्फ नियंत्रण करना ही नहीं बल्कि इस व्यापार चक्र को समाप्त करके उर... बाजार की जो जो ये ग्राफ है ना ऊपर नीचे वाला इस ग्राफ को संतुलित करने का प्रयास करती है इसको संतुलित करने का इस प्रकार से प्रयास करती है कि बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए बहुत ज्यादा नीचे नहीं ना आए है ना इसको एक स्थायित्व मिल जाए

अरे हे इकोनॉमी तो क्या हुआ इंजॉय करते हुए पढ़े सब समझ जाएगा सब क्लियर होता चलेगा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं हो इसके अंदर है ना चलिए अगले बात करेंगे इसकी विशेषताओं की जी हाँ यार अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें अर्थशास्त्र करती है तो फिर इसकी विशेषताएं भी तो होनी चाहिए है ना तो चलिए ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत विशेषताओं की बात कर लेते हैं मात्र चार विशेषताओं की बात करते हैं सबसे पहली विशेषता आप भी जान चुके हैं भाई इसका दृष्टिकोण कैसा है व्यापक है क्यों है व्यापक क्योंकि एक परिवार के नहीं ये पूरे समाज का अध्ययन करेगी किसी एक फैक्ट्री की नहीं पूरे देश के उत्पादन की बात करेगी इसीलिए क्या कहा कि इसका जो दृष्टिकोण है समस्ती अर्थशास्त्र का वो कैसा है व्यापक है क्लियर है ना अगले में बात करें तो व्यापक दृष्टिकोण है तो फिर विश्लेषण भी उसका व्यापक होगा भाई विश्लेषण भी व्यापक होना चाहिए तीसरी विशेषता है कि व्यक्ति की अपेक्षा ये समूह की बात करता है व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की बात करता है अगला है परस्पर निर्भरता चार विशेषता है चारों को अभी नहीं समझा हमने अंदर चल के समझते हैं एक एक करके सभी पर हम फोकस करेंगे सभी को एक एक करके समझेंगे व्यापक दृष्टिकोण देखिए इसका दृष्टिकोण व्यापक है इसमें शासन चरों का महत्व नहीं दिए को महत्व नहीं दिया जाता व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय और विश्व आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढा जाता है समझिए देखिए इसमें व्यापक और व्यापक और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जो एक बड़े स्तर पर समस्याएं होती है उनका हल यहां ढूंढा जाता है किसी एक की बात नहीं की जाती किसी एक समूह की या किसी एक देश की बात नहीं माफ करना किसी एक समूह की या किसी एक समाज की पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की बात नहीं की जाती बल्कि पर जो अध्ययन होता है वो एक ऊंचे स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय या फिर स्तर पर होता है उनके बीच में जो आर्थिक समस्याएं होती है उन समस्याओं का धर, हल ढूंढने का प्रयास यहाँ किया जाता है व्यापक अर्थशास्त्र गतिशील व्यवस्था को अधिक महत्व देती है गतिशील अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व देती है फिर चाहे वो अर्ध अर्धविक विकसित हो अविकसित हो विकासशील हो बस उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो गतिशील होना चाहिए गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आज महाशक्ति है वो कौन गरीब राष्ट्र है बस उसका गतिशील होना कंपलसरी गतिशील है तो आज नहीं वो कल महाशक्ति बन जाएगी परंतु अगर गतिशील नहीं है तो तो दोस्तों महाशक्ति वो है वो भी मुंह केवल आ गिरेगी और जो गरीब देश है वो भी ऊपर उठ जाएंगे इसलिए अर्थव्यवस्था का हमेशा गतिशील होना आवश्यक है आज पूरा विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था को भारत को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि पिछले कई वर्षों से भारत की जो इकोनॉमी रही है वो गतिशील रही है याद रखिएगा गतिशील रही है वो प्रति वर्ष नीचे जाने की अपेक्षा वो गतिशील हो रही है ऊपर बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है इस कारण से पूरे विश्व की नजरें आज भारतीय इकोनॉमी पर आंटी की है चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट बात करेंगे व्यापक विश्लेषण व्यापक विश्लेषण के अंतर्गत दोस्तों व्यापक अर्थशास्त्र में अर्थात की अर्थशास्त्र में जो विश्लेषण होता है व्यापक विश्लेषण को महत्व दिया जाता है इसमें सरकार की सरकार की याद रखिएगा कौन सरकार की स्थानीय सरकार की नहीं इसमें राष्ट्रीय सरकार की केंद्रीय सरकार की राजस्व मौद्रिक जो नीतियां होती है जो मौद्रिक नीतियां होती है अर्थात अर्थव्यवस्था को लेकर के जो नीतियां होती है राजस्व को लेकर के जो नीतियां होती है उनका बहुत बारीकी से अध्ययन करती है समझती अर्थशास्त्र तो इसीलिए कहा गया है कि जो इसका विश्लेषण है ना विश्लेषण का जो क्षेत्र है वो भी बहुत व्यापक है बिल्कुल अपने दृष्टिकोण की तरह क्लियर है चलिए अगला पॉइंट है व्यक्ति की अपेक्षा ये समूह को महत्व देती है इस पॉइंट में तो यार देखिए कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई ये व्यक्ति को महत्व नहीं देती बल्कि पूरे समूह का हित का ध्यान रखती है इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ चलिए अगला पॉइंट है परस्पर निर्भरता किसकी निर्भरता की बात करती है भाई समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति अर्थशास्त्र दोनों परस्पर एक दुखी दूसरे की निर्भर है क्यों है निर्भर अब यहां देखिए यहाँ पर अब आपको दोनों छोटा और बड़ा दोनों भाई मिल चुके हैं यह दोनों आप अर्थशास्त्र आप जो अगर इसको फीमेल बोलते हैं तो दोनों बहनें बोल दीजिए भाई अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की बात यहां पर हो रही है याद देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को मान लेते हैं कि का स्तर पर किसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है ऐसा मान लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र को एक काम मिला है कि आप पूरे भारत में जितनी भी इंडस्ट्री है उसका अध्ययन करेंगे ठीक है ना तो जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो रिपोर्ट बनेगी उस पे क्या लिखा होगा सबसे पहले कि भारतीय इंडस्ट्रियल रिपोर्ट भारतीय इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक रिपोर्ट ऐसा लिखा होगा तो वो जो रिपोर्ट पूरे देश की फैक्ट्रियों की रिपोर्ट बनाएगी इंडस्ट्रियों की रिपोर्ट बनाएगी तो किस आधार पर बनाएगी क्या समस्ती अर्थशास्त्र हर एक राज्य की हर एक फैक्ट्री में जा जाकर उससे डाटा इकट्ठा करेगी या फिर या फिर जो व्यस्ती अर्थशास्त्र पहले से ही काम कर रही है इकाइयों का अध्ययन करने की तो भाई ये प्रत्येक फैक्ट्री के पास जाने की अपेक्षा एक ही व्यक्ति के पास जाएगी ना जो बेस्ट अर्थशास्त्र को संभाल रहा है व्यस्ती अर्थशास्त्र से वो डाटा लेगी पर्टिकुलर जो पर इकाई का जो उन्होंने अध्ययन किया है उसका डाटा लेगी लेकर के उस पर इकाई का जो अध्ययन किया मतलब व्यस्टी अर्थशास्त्र ने जो काम किया है उसके आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र पूरे ऊंचे स्तर पर एक रिपोर्ट डाल देगी तो इसी का मतलब हुआ कि दोनों जो है परस्पर निर्भर है मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के बिना समष्टि अर्थशास्त्र अपना विश्लेषण नहीं कर पाएगी इसलिए और वहीं पर ही दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र पर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर होती है क्लियर है तो देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात की अर्थशास्त्र के साम्य के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता जी हाँ दोस्तों अगर एक इक इकाई में एक इकाई की मात्रा नीचे है एक इकाई की मात्रा ऊपर है तो व्यस्टी अर्थशास्त्र को इससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में अगर एक इकाई की कीमत में परिवर्तन हुआ तो पूरी इकाइयां उससे प्रभावित होगी क्लियर है तो परस्पर निर्भरता की बात यहाँ पर इस समस्ती अर्थशास्त्र की विभिन्न इकाइयों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी करती है यहां तक का क्लियर दोस्तों चलिए अगर ये क्लियर है तो इसके महत्व की अब हम बात कर लेते हैं चार बिंदुओं के माध्यम से हम एक एक महत्व की चर्चा करेंगे सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पर व्यापक क्षेत्र दूसरा है इसमें आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं संचालन में सहायक भाई जो आर्थिक नीतियां होती है सरकार की उनका निर्माण कैसे करें उनका संचालन कैसे करें इसमें सहायक होती है तीसरे की बात करें तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना भाई राष्ट्र में कितनी आय हो रही पूरे देश की कितनी आय हो रही है उसका अध्ययन कौन करता है समस्ती अर्थ करती लास्ट में आर्थिक विकास का अध्ययन भी समस्ती अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है जिस प्रकार से देखने में इजी लग रहे हैं पॉइंट उनका जो एक विश्लेषण है वो भी एकदम इजी ही है कोई डिफिकल्ट नहीं है व्यापक क्षेत्र अपने किए व्यापक क्षेत्र तो भाई अब तक तो समझ ही चुके हैं आप लोग कि समष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन करती है उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है व्यापक क्षेत्र को लेकर ही जो है इसका अध्ययन होता है व्यापक क्षेत्र को से आशय यहाँ पर ये लगाया जा रहा है दोस्तों की देखिए राष्ट्रीय आय का अध्ययन ये करती है रोजगार के सिद्धांत का ये अध्ययन करती है आर्थिक विकास के सिद्धांत का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है मुद्रा तथा वित्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय इन सब का अध्ययन तो ये तो व्यापक दृष्टिकोण ही व्यापक क्षेत्र ही है ना किसी पर्टिकुलर इकाई की तो बात नहीं की गई है तो इन सब के अध्ययन के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता नितान्त आवश्यकता इसकी नितान्त आवश्यकता होती है क्लियर है चलिए अगला पॉइंट है आपका आर्थिक नीतियों के निर्माण और संचालन में सहायक तो भाई जो देश की जो आर्थिक नीतियां बनती है देश की केंद्रीय सरकार जो आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है फिर उनको समाज या देश के अंदर संचालन करती है तो उसके लिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ता है बिना समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के कोई भी प्रशासन या कोई भी शासन अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण भी नहीं कर सकती और ना ही उनका संचालन कर सकती है आसान शब्दों में ठीक है आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते अगला है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना भाई राष्ट्र में कितनी आय हो रही है पिछले वर्ष कितनी हुई थी आज इस वर्ष कितनी हुई है भविष्य में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इसका तुलनात्मक अध्ययन करना किसका काम है समष्टि अर्थशास्त्र का है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हमें किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है और किसी देश की आर्थिक स्थिति का अगर आपको पता करना है तो आप बस उसकी राष्ट्र की आय का पता कर लीजिए उसमें रहने वाली जो समाज है उसका सामाजिक विकास की बात कर लीजिए अगर जनता का जीवन स्तर बहुत हाई क्वालिटी का हाई लेवल पर है और राष्ट्र की इनकम भी हाई है तो समझ जाइए वो देश बहुत अच्छे से उन्नति कर रहा है बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है यही मतलब होता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना डाटा इजी भाषा में है आप पढ़ेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है ना बच्चों की तरह पढ़ाने का मत बोलना यार आप 10 -12 के बच्चे नहीं हो है आर्थिक विकास का अध्ययन भाई आर्थिक विकास का अध्ययन अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि किसी भी देश की प्रोग्रेस का कैसे पता करोगे आप उसकी राष्ट्रीय आय देखकर और उसके समाज का जीवन स्तर देख करके है ना तो जब आप उसकी प्रोग्रेस का पता कर रहे हो ना जो प्रोग्रेस की मैंने जहां पर जो बात की है विकास की जो बात की है तो भाई उस विकास में आप आर्थिक विकास कितना हुआ है उस देश का उस आर्थिक विकास का मूल्यांकन इसी के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन एवं रोजगार स्तर में वृद्धि के लिए योजनाएं बनाई एवं कार्यान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का क्या पढ़ाएं इसमें यार बताइए क्या समझाएं इसमें कोई ऐसा डाटा है जो समझ लायक ना हो बताइए आप प्रॉब्लम एक ही होती छोटी सी एकाग्र होकर आपको जो भी स्टडी करनी है एकाग्र होकर अगर करेंगे तो आपको दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप दो घंटा पढ़ लीजिए बहुत है ना एक लेकिन एकाग्र होकर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपके दिमाग में मोबाइल व्हाट्सएप पर उसने मैसेज क्यों नहीं किया वो याद नहीं होना चाहिए है ना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो पहले आप उसको मैसेज कर दीजिए पूछ लीजिए भाई तेरा मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक ये सारी बातें आप पढ़ाई से पहले कर लीजिए मेरा कहने का मतलब एकाग्र हो जाइए आपको दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप दो घंटा पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए बहुत है सफिशेंट है जितनी ईमानदारी से आप जो है दोस्तों मोबाइल में गेम खेलते हैं जितनी ईमानदारी से आप कॉपी शॉप पर उसके साथ कॉफी पीने जाते हैं जितनी ईमानदारी से आप अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर हुक्का मारते हैं उतनी ही ईमानदारी से आप दो घंटा ये स्टडी कर लीजिए आपको पूरा कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए है ना चलिए तो पहला इसमें है दोस्तों सीमाओं की अगर आप बात करें देखिए अब ने बहुत तारीफ कर ली सब कुछ कर लिया सब कुछ पढ़ लिया अब चूंकि हम तो स्टूडेंट है भाई हमें तो तुलनात्मक अध्ययन करना है हमें तो पूरी जानकारी लेनी है चलिए ठीक है क्योंकि आपको जानकारी लेनी है नहीं लेनी है वो अलग बात है लेकिन एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फिर आपने विचार भी रखने को बोला जाएगा तो सीमाएं भी पूछी जा सकती है कि भाई जो जो आप समझते पढ़ रहे हैं इसमें क्या कमियां हैं थोड़ी कमियां भी उजागर कर दीजिए तारीफ आपने बहुत कर दी, दी। कमियां भी तो करना सीखिए निकालना सीखिए तो कमियां क्या है वो बतानी है तो पहली कमी तो क्या है यहाँ पर व्यक्तिगत निष्कर्ष समूह पर लागू करना संभव नहीं है क्या कहा गया है व्यक्तिगत निष्कर्ष व्यक्तिगत निष्कर्ष अर्थात कि जो डिसीजन आप एक व्यक्ति को लेकर के ले रहे हैं उस एक व्यक्ति के आधार पर पूरे समूह पर उसके निष्कर्षों को लाद नहीं सकते ये अच्छा नहीं होगा यह गलत हो जाएगा कैसे इसमें अंदर अंदर दिया गया है अंदर आप पढ़ लीजिएगा मैं यहां समझा देता हूं कैसे गलत हो जाएगा वो ऐसे गलत हो जाएगा उन्होंने एग्जाम्पल यह दिया है कि मान लेते हैं कि कोई एक देखिए पहले तो इसको समझिए क्यों ये पॉइंट रखा गया है इनका कहने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है कि भाई जो समझती अर्थशास्त्र है ना उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है एक इकाई का नहीं लेकिन उस पूरे समूह का जो अध्ययन किया जाता है वो एक इकाई के बल पर ही किया जाता है एक इकाई की इंफॉर्मेशन से पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है ये यहां कहा जा रहा है इस कमियों के अंदर सीमाओं के अंदर तो यहां पर उदाहरण ये दिया जा रहा है कि मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक व्यक्ति अगर अपने बैंक से पैसा निकालता है विदड्रॉ करता है तो संभवता बैंक या देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक व्यक्ति पैसा निकाल लेता है अपना तो लेकिन अगर लेकिन अगर अब आपने कहा एक व्यक्ति जो करता है उसके आधार पर सबका अध्ययन कर लीजिए तो यार देखिए अगर एक व्यक्ति पैसा निकाल रहा है तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था को बैंक को लेकिन अगर सभी लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे तो क्या बैंक की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैंक हो जाए रेंगने लगेगा बैंक है ना जमीन पर रेंगने लगेगा इस प्रकार से इसकी कमी की बात की गई है दूसरी कमी की बात करें तो व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन कैसे जब समस्ती अर्थशास्त्री साहब आप बात करते हो तो आप ये बोलते हो कि हम जो है बृहद स्तर पर हम अध्ययन करते हैं हम व्यक्तिगत इकाई की बात ही नहीं करते तो यार अब इसमें व्यक्तिगत इकाई को तो बुरा लगेगा ना क्यों लगेगा बुरा क्योंकि वो ये बोलेगा व्यक्तिगत इकाई कि वाह बेटा मेरे बलबूते पे तो आप जो है पूरे समाज का अध्ययन कर पा रहे हो पहले मेरा अध्ययन किया उन सबका अध्ययन करने के बलबूते पर ही मतलब खुद जाकर प्रैक्टिकली तो काम नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकली तो मैं काम कर रहा हूं हर एक जगह तो मेहनत हम कर रहे हैं और आप बीच में मजे ले रहे हो ना तो समझिए इसकी भावनाओं को समझिए कहने का अर्थ यह है कि यहां पर व्यस्ती अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस प्रकार से व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है वही समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है लेकिन जो ये समूह का अध्ययन होता है ना वो व्यक्तिगत इकाई के आधार पर होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है समूह का अध्ययन किया जाता है तो जो आप उपेक्षा कर रहे हो वो गलत है क्यों बल्कि वहां पर आपको परस्पर एक दूसरे के निर्भर बोलना चाहिए ना कि उपेक्षित बोलना चाहिए इससे व्यक्तिगत इकाई को बुरा लग सकता है है ना चलिए तीसरा है विजातीय समूह की समस्या विजातीय समूह अलग अलग जातियों के समूहों की समस्या कि आपने एक समूह का अध्ययन किया सभी समूहों पर थोप दिया चूंकि जबकि सबकी आदतें अलग है सबकी आवश्यकताएं अलग है सबकी डिमांड अलग है सब सबकी अपनी अपनी हैबिट अलग है तो इस प्रकार से आप सबको एक जैसे नहीं बोल सकते हो इसलिए समस्ती अर्थशास्त्र जो निष्कर्ष है वो अलग गलत रहता है ये यहाँ पर इसकी सीमाएं दर्शाती है इसके अलावा चौथे पॉइंट में समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देता समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देता समूह की बनावट किस प्रकार की है समस्त अर्थशास्त्र अंतर्गत इस पर ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों ये चारों पॉइंट यहाँ पर उल्लेखित है मेरे द्वारा आसान भाषा में आसानी से आप इसको पढ़कर इसका एग्जाम टाइम पर बार बार रिविजन लगा करके आप बेहतरीन नंबर इन शब्दों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जितना संभव था मैंने आसान करने का प्रयास किया है लेकिन इस लैंग्वेज में छेड़छाड़ ना हो ये अपनी जो उनकी इसकी जो पर्सनालिटी होती है मगर कहें कि जो इसका इंपॉर्टेंस होता है लैंग्वेज का तो वो इंपॉर्टेंस ये खोई ना अपने आपका इस कारण से इसे इतना भी व्यवहारिक नहीं बनाया गया है।, है थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज है ना लेकिन अब पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होगा मैं पढ़ के भी बता देता हूं जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए देखिए समझिए व्यक्तिगत निष्कर्ष समूह पर लागू करना संभव नहीं क्या कहा गया ये आवश्यक नहीं है कि जो निष्कर्ष व्यक्तियों तथा छोटे समूहों के संबंध में सही हो वह संपूर्ण समाज के लिए भी सही हो उदाहरण दिया गया था या कि एक व्यक्ति अगर बैंक से पैसा जमा रकम अगर निकाल लेता है तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर खातेदार अगर सभी खातेदार एक साथ बैंक से अपनी पैसा निकाल लेंगे तो बैंक व्यवस्था जो है फेल हो जाएगी जमीन पर रेंगने लगेगी एक कीड़े की तरह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा पेड़ ही टूट जाएंगे लंगड़ी हो जाएगी कुल मिलाकर के अगला है व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन कैसे समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई की अपेक्षा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है ऐसा करने से यह दोष उत्पन्न होता हो जाता है कि जिन छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों के योग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी की गई है उसके महत्व एवं अस्तित्व की उपेक्षा कर दी जाती है जो कि सर्वथा गलत है जैसा मैंने कहा था कि व्यस्टि अर्थशास्त्र को बुरा लग जाएगा ऐसा काम ना करें तो ज्यादा उचित होगा क्लियर है चलिए थर्ड पॉइंट इसका हमने देखा था दोस्तों थर्ड पॉइंट था इसमें विजाती समूहों की समस्या विजाती समूहों की समस्या अलग अलग समूह की तो देखिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण के लिए समूह में शामिल सभी इकाइयों के मध्य समरूपता होना चाहिए भाई जो इस पर आप अध्ययन कर रहे हैं जिस एक समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस समूह की जो इकाइयाँ हैं वो लगभग एक जैसी तो होना चाहिए कम से कम अलग अलग तो ना हो है ना तो यह यही यदि इस विधि के द्वारा ऐसा समूह का अध्ययन किया जाए जो समरूप नहीं है तो जो निष्कर्ष मिलेंगे संभवतः वो भ्रम फैलाने वाले ही मिलेंगे यहाँ पर ये बात भी इसमें इसकी सीमाओं में, में उल्लेखित की गई है क्लियर है चलिए अगला एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देना तो केवल समूह का योग के आधार पर भविष्यवाणी करना या सुझाव देना उचित नहीं होगा जब तक कि समूह की बनावट या उसके आपसी संबंधों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त न कर ली जाए जैसे उदाहरण के लिए उन्नीस सौ और नाइनटीन उदाहरण को देखिए दोस्तों उन्नीस और उन्नीस में सामान्य मूल स्तर सामान्य था एक सामान्य था परंतु यह संभव है कि कृषि की कीमतें बहुत गिर गई हो तथा औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हो जिससे सामान्य मूल स्तर में कोई ज्यादा ऊपर नीचे देखिए सामान्य मूल स्तर की बात जब हो रही है तो सामान्य देखिए यह भी तो हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मांग अर्थात ये कीमतें और जो कृषि का उत्पादन है कृषि की कीमतें हैं वो आ, दोनों के माध्यम से जो व्यापार होता है दोस्तों बाजार होता है बाजार की अर्थव्यवस्था एक सामान्य स्थिति को धारण करती है तो जब सामान्य मूल की बात हुई है यहां पर एग्जाम्पल दिया है, जब नाइनटीन और नाइनटीन में सामान्य मूल स्तर जो था वो सामान्य था लेकिन जरूरी नहीं है कि कीमतें और कृषि दोनों की कीमतें समान हो बल्कि ऐसा हो सकता है कि बाजार में कृषि की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई हो है ना बहुत ज्यादा गिर गई हो और औद्योगिक जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई हो तब भी ये सामान्य मूल स्तर एक समान हो जाता है ठीक है या फिर इसका उल्टा कर दीजिए तब भी मूल सामान्य स्तर ही होगा इसलिए कहा नहीं जाता कि जो आप समूह बना रहे हैं वो समूह गलत भी हो सकते हैं वो समूह गलत भी हो सकते हैं ये तो यहाँ पर यह सुधार करने की आपको आवश्यकता है वृष्टि समस्ती अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेशन होता है आज का कंप्लीट अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे ये रहा आपका अगला सेशन समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर संबंध अंतर संबंध का मतलब होता है हम यहाँ डिफरेंस को भी देखेंगे और एक दूसरे की आपस की जो निर्भरता है उसको भी देखेंगे एक साथ देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इस सेशन को कंटिन्यू रखना है क्योंकि जब हमने सिलेबस एनालाइज किया था तो आप में से बहुत कम लोगों ने इसमें रुचि ली थी तो दोस्तों हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद आपको इस सब्जेक्ट की ज्यादा जरूरत

है ना मैं अभी भी देख रहा हूँ आप लोगों की जो है बहुत कम प्रेजेंटेशन है अब बहुत कम प्रेजेंट है आप लोग तो थोड़ा सा देखिए यार है ना थोड़ी सी अगर आपकी रुचि बनी रहेगी तो मैं सेशन को कंटिन्यू करता रहूंगा लेकिन अगर थोड़ा लगेगा कि यार कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर मुझे इसको होल्ड करके किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा ये इट्स माई कंपल्सन ओके ना चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों तब तक आप सभी का धन्यवाद थैंक यू वो जी हाँ पहला सेशन इसलिए आपको बता दू अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा जहां पर भी निशुल्क रूप से ही आपको पढ़ाया जाता है टेलीग्राम

दोस्तों इसलिए ग्रुप से जरूर जुड़िए अगर आप हमारे आप साथ परमानेंट स्टडी करना चाहते हैं तो और हाँ बता दू मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री है ना कंप्लीटली निःशुल्क पूरी तरह निशुल्क है हमारी क्लासेस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों थैंक यू धन्यवाद